हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आपने ये देखा है कि जब कभी भी हमको लूज मोशन होता है तो हम उसको कवर अप करने के लिए WHO के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया ORS घोल लेते हैं। मैंने ये वर्ड यूज किया कवर अप, लेकिन आप जानते हैं कि ये WHO के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया ORS घोल एग्जैक्ट मेडिसिन नहीं है फॉर जस्ट पर्पस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, बल्कि ये उसको सपोर्ट करने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्टिव थेरेपी है। होता यूं है कि डिसेंट्री हो या डायरिया हो, बहुत सारा वाटर साथ में उसकी कई इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी से बाहर ड्रेन होते रहते हैं, फ्लश होता रहता है, तो इससे हमारी बॉडी में पानी की भी कमी हो जाती है, प्लस जितने भी इंपॉर्टेंट वाइटल इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनके भी कमी हो जाती है, तो हम ORS घोल लेना शुरू करते हैं। ORS का पूरा नाम ही तो यही है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, यानी कि जो पानी निकलने की वजह से डिहाइड्रेटेड हो गया है उसे पानी के साथ इस इलेक्ट्रोलाइट को मिला करके आप वापस रिहाइड्रेट भी करेंगे बॉडी को, प्लस में इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस भी करेंगे। वैसे ही आपने कई बार ऐसे सिचुएशन देखे हैं जब किसी व्यक्ति को ग्लूकोज का ड्रिप चढ़ाना पड़ता है, कभी कभी ब्लड लॉस हो जाने की वजह से, शॉक हो जाने की वजह से, या तो फिर बॉडी के एक मेजर हिस्सा जल जाने की वजह से फ्लूइड को हमको वहां पर रिप्लेस करना पड़ता है। प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर के बारे में भी आपने सुना हुआ होगा। तो अल्टीमेटली हमारा जो गोल होता है वो ये है कि आपकी बॉडी में जो नेचुरल तरीके से जितनी अमाउंट में हमारी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स एज वेल एज फ्लूइड बैलेंस होती है उसको वापस से हर कंडीशन में रिस्टोर करके रखना। ऐसे कई सारे सिचुएशंस आएंगे जहां पे आपकी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ आपस में होम्योस्टेसिस बना के रखना चाहेगी, तो उन सब की चीजों के लिए बेसिक जानकारी चाहिए वो आपको आज की किताब में मिलेगा। तो आज की जो हमारी किताब का नाम क्या है, उसके राइटर कौन है, पब्लिकेशन हाउस कौन सा है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलेंगे आज आप इस वीडियो में जान जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो किताब है इसका नाम है फ्लूइड थेरेपी एट योर फिंगर टिप्स, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके शुद्ध पॉइंट के फॉर्म में लिखे गए होंगे। सिंपल येट पावरफुल लैंग्वेज आपके लिए रखी गई है ताकि आप आसानी से समझ सकें। इसमें जो प्रैक्टिकल नॉलेज है किसके रेस्पेक्ट में वो भी बता दो, प्रैक्टिकल गाइडलाइन टू फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस डिसऑर्डर, इसको कैसे बैलेंस किया जाए, इन सब के आसपास पूरी की पूरी किताब घूमती रहती है। सारे कंटेंट इसी को सपोर्ट करने में रहते हैं। इसके जो राइटर हैं वह रश्मि दत्ता और ये पारस मेडिकल पब्लिशर्स के द्वारा पब्लिश किया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। और ये पब्लिकेशन हाउस तो अपने अच्छे अच्छे किताबों के लिए जाना ही जाता है। इसके कई मेडिकल के रिलेटेड फार्माकोलॉजी, जो कि नॉट ओनली फॉर MBBS बल्कि फार्माकोलॉजी BSc MSc नर्सिंग इन सब के लिए, अलाइड साइंस के लिए काम आता है, इन सब के बारे में भी हमने ऑलरेडी आपसे बात किया हुआ है। आप चाहे तो बुक रिव्यू प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि इस बुक में आपको कौन-कौन से कंटेंट मिलेंगे। याद रखिएगा ये एक ऐसी किताब है जहां पे पॉइंट टू पॉइंट आपको हर वो चीज समझाने की कोशिश करी गई है जो कि आपके प्रैक्टिस के समय काम आएगा और आपके नॉलेज को बूस्ट करेगा। तो स्पेशल रेफरेंस टू MBBS MD एनेस्थेसियोलॉजिस्ट या फिर जनरल प्रैक्टिशनर, ये बुक आप जरूर देख सकते हैं, ये मेरी तरह से आपको रिकमेंडेशन है। सबसे पहले अगर हम कंटेंट की बात करें तो मैं आपको कुछ बेसिक कंटेंट यहां पे बता रहा हूं, बाकी जो कंटेंट है वो आप वीडियो के पैरेलल स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके अंदर जो सेक्शन डिवाइड किए गए हैं वो आपको चार सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहले सेक्शन में हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, यानी कि फ्लूइड क्या है, फ्लूइड के इंपॉर्टेंस क्या है, बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है, कौन कौन से बेसिक पार्ट आपको ध्यान में रखने चाहिए, इन्हीं के आसपास आपको समझाने का प्रयास किया गया है। फॉर एग्जाम्पल आपको सब पॉइंट बता दूं, स्टेट ऑफ मैटर एंड सॉल्यूशन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर बैलेंस इन आवर बॉडी, जिसको हम लोग बॉडी वाटर कंपार्टमेंट बोलते हैं, बेसिक वाटर फिजियोलॉजी, बेसिक कॉन्सेप्ट इन ब्लड रियोलॉजी, ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन इन ब्लड, जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जिसके पास स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि वो ऑक्सीजन को अपने साथ कैरी करके लेके जाए और CO2 को वापस लेकर के आए, डिपेंडिंग ऑन द ऑक्सीहीमोग्लोबिन एंड डी ऑक्सीहीमोग्लोबिन हम इसको बोल सकते हैं। इसके बाद जो अगला कंटेंट मिलेगा वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीजनेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्स टू अन एसिड बेस चैलेंज एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड ग्लास एनालिसिस। तो ये आपका सेक्शन वन, उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट है वो बताया मैंने। सेक्शन टू कवर करेगा आपका IV फ्लूइड, सेक्शन थ्री में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस के बारे में, उसके बाद सेक्शन फोर डिस्कवर करेगा एसिड बेस डिस्टर्बेंस और वो कैसे वापस से रिस्टोर करें, इसी के आसपास इसकी जो कहानी है वो घूमेगी। चलिए आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं बुकमार्क हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना शुरू करता हूं। मेरी इच्छा होती है कि आपको डिटेल से बताया जाए बट वो टेक्निकली एक बुक रिव्यू में पॉसिबल हो नहीं पाता। अगर आप इसके लैंग्वेज को देखेंगे तो लैंग्वेज बहुत ईजी है और जो कंटेंट है वो लेंथी पैराग्राफ में ना होकर के बल्कि टू दी पॉइंट, इसीलिए इसका नाम रखा गया है एट योर फिंगर टिप्स, यानी कि आपके एक उंगली पे आपको वो कंटेंट मिलना शुरू हो जाएगा। बेसिक बेसिक पॉइंट 1-to-1 के फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहें तो इसे वहां से भी एक बार देख सकते हैं, बाकी सैंपल आपको वीडियो के पैरेलली दिख भी रहा है।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका सैंपल चैप्टर भी मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंपोजिशन ऑफ मेजर बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट, जो हमारी बॉडी में मेजर फ्लूइड कंपार्टमेंट होता है उसके कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर के बारे में आपको टेबल के फॉर्म में दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल आपके जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इलेक्ट्रोलाइट के, लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये क्या क्या है और इसके रेस्पेक्ट में प्लाज्मा में इनका क्या स्पेसिफिक पार्ट प्ले करना होता है, इसका जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है इसमें क्या इसका लेवल होता है और अल्टीमेटली इंट्रासेलुलर फ्लूइड में इनका क्या परसेंटेज भागीदारी होती है, इसके बारे में आपको टेबुलर फॉर्म में दिया गया होगा। वैसे कि पूरी किताब इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेक्स्ट बुक अगर इस तरह से होता जनरल टेक्स्ट बुक तो आपको बहुत सारी चीजें मैं दिखाता हूं, बट ये टेक्स्ट बुक नहीं होकर के एक रिविजन, एक कॉन्सेप्ट बूस्टर बुक है जो कि आपके लिए यूजफुल है। तो बेसिक पॉइंट को मैं आपको बस हाईलाइट कर रहा हूं। उसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन, दैट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बारे में तो आप जानते ही हैं, ये भी मेजर कंपोजिशन है, कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे ब्लड का, जो कि हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को लेकर के जाता है। जब ये ऑक्सीजन अपने साथ लेकर के जाएगा तो हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन वापस से रिस्टोर हो जाएगी और हम उसको पूरा कर सकते हैं। ऑक्सीजन की कमी होगी तो फिर आपको पता है जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, थकने का, थकावट लगेगा, ऑक्सीजन के साथ साथ हमारी बॉडी के सारे फंक्शन जुड़े हुए होते हैं। तो इसके बारे में हम कैसे रिप्लेस करें उसको आपको यहां पे मिलेगा, उसके बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्सेप्चुअल है वो आपको यहां से मिलेगा कि हम कैसे देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं हीमोग्लोबिन के रोल को, यहां से आपको पॉइंट टू पॉइंट मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले बुकमार्क पे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ऐसे कई सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं हमारी बॉडी में जिसकी वजह से आपकी बॉडी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो स्लाइटली एसिडिक या स्लाइटली बेसिक या फिर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन उनका जो लेवल थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हम एसिड बेस बैलेंस कैसे करें, अल्कलोसिस को कैसे मेंटेन किया जाए, एसिडोसिस को कैसे मेंटेन किया जाए, किस थेरेपी को फॉलो किया जाए, यहां पे आपको मिलेगा। जैसे सब्सटेंस अफेक्टिंग एसिड बेस बैलेंस, कौन कौन से सब्सटेंस हैं जो एसिड बेस बैलेंस को चेंज करने में कैपेबल इनफ रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग आयन, वीक आयन, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, इनके बारे में आपको बेसिक जानकारी यहां पे मिली करेगी और इक्वेशन के साथ में भी आपको पूरा जानकारी यहां से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो है आपका फिजियोलॉजिक बफर्स। फिजियोलॉजिक बफर्स जिसको हम लोग अगर प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बात करें तो इसको पीएसएस, फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो ये क्या है फिजियोलॉजिकल बफर्स, क्या इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और इसके क्या क्या स्पेसिफिक कमेंट्स हो सकते हैं वो आप यहां पे देख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें ब्लड की, तो ब्लड बफर सिस्टम क्या क्या इसमें कंटेंट करता है, जो इसके बेसिक कमेंट्स हैं स्पेसिफिक रेफरेंस टू रिव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है वो यहां पे आप टेबल के फॉर्म में इस तरीके से देख सकते हैं। आगे बुकमार्क पे चलते हैं। तो अगले बुकमार्क में हमारा जो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो वेट कर रहा है, दैट इज इक्विपमेंट फॉर इंट्रावीनस, दैट इज आईवी थेरेपी। आईवी मतलब अगर आप किसी भी सब्सटेंस को, फ्लूइड को आपके इंट्रावीनस में डायरेक्टली ट्रांसफर करना चाहते हो तो उसके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट की जरूरत हमको पड़ने वाली है। यह एक ऐसा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है जो इमीडिएट रिस्पॉन्स देता है और इसके अलग अलग सब टाइप भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ ड्रग, स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटल एंड लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल। इसके रेस्पेक्ट में कौन कौन से इक्विपमेंट फ्रॉम स्मॉलर टू द बिगर वन कौन कौन से यूज होते हैं यहां पर आपको उसकी जानकारी मिलेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्यूजन सिस्टम। इसमें आपको जो कंटेनर है जिसमें हम अपने फ्लूइड को रखते हैं, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम के हिसाब से डिवाइड किया गया है, टाइप्स ऑफ आईवी कंटेनर्स जिसको हम लोग बोल रहे हैं यहां पे आपको उसका क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा। जो स्टार्टिंग से हम फिट करना स्टार्ट करते हैं टुवर्ड दी ब्लड वेसल्स, वहां पे कौन कौन से सब पार्ट या एक्सेसरीज पार्ट इन्वॉल्व होते हैं वो भी इसमें आपको एक्सप्लेन किया गया है। साथ में कंपोजिशन ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो ड्रिप स्टेप इसके बारे में बताया गया है। एक चीज और इसमें आपको दिखा दूं, जो छोटे छोटे मशीन है इनका डायग्राम भी आपको दिखाया गया है, इक्विपमेंट का डायग्राम दिखाया गया है ताकि आप इनको समझ सकें, इसके बारे में पॉइंट समझ सकें। इसके बाद देखिए एक और इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन ऑफ रिकमेंडेड लॉकिंग वॉल्यूम। लॉकिंग वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी एक टेबल के फॉर्म में यहां पे दिया गया है। नेक्स्ट बुक मार्क पे चलते हैं। तो देखिए फ्लो रेट ऑफ वेरियस कैन्यूला साइज, जब हम इस डिफरेंट साइज के कैन्यूला को यूज करते हैं, फिट करते हैं ड्रिप चढ़ाने के लिए, तो उसका फ्लो रेट कैसा होना चाहिए वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियल पे कैसा होगा, टुवर्ड द फ्लो कैसा होगा, वहां पे आपको एक टेबल के फॉर्म में यहां पे मिल जाएगा। तो गॉज, डायमीटर, लेंथ, फ्लो रेट, इसके रेस्पेक्ट में टेबल यहां पे आपको मिल रहा है। फिर आगे बात करते हैं, तो आप देखिएगा यहां पे पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर्स, पेरिफेरली इंसर्ट किए जाने वाले कैथेटर्स कौन सा, उसी का कंटिन्यू वर्जन है कि आप कौन कौन से इक्विपमेंट यूज करते हैं इस फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी में। कमिंग टू द नेक्स्ट बुकमार्क, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। यहां पे आपका रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सीआरटी, दैट मींस कैथेटर रिलेटेड थ्रोम्बोसिस। कभी कभी ऐसा होता है
कि जहां पे आपने कैथेटर लगाया है वहां पे थ्रोम्बोसिस यानी कि क्लॉट फॉर्मेशन होने के चांसेस हैं। तो उसके लिए कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं वो आपको इस टेबल में, टेबल के फॉर्म में मिल जाएगा। अगले बुक मार्क पर चलते हैं। तो अगले बुक मार्क पर हम देखने वाले हैं जो कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही है रिलेटेड टू द फ्लूइड थेरेपी वो क्या क्या है, तो उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या क्या है, अवेलेबिलिटी, हाफ लाइफ, प्रॉपर्टी ऑफ लीकेज, ट्रांसवेस्कुलर फ्लूइड एक्सचेंज, जो भी पॉइंट्स हैं वो यहां पे आपके लिए कवर किए गए हैं। एडवांटेज ऑफ बैलेंस सॉल्यूशन, लैक्टेट कंटेनिंग सॉल्यूशन फॉर डायबिटीज, यानी कि डायबिटीज के पेशेंट के लिए अगर कोई सॉल्यूशन जिसमें लैक्टेज कंटेंट है उसके लिए आपको क्या क्या चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी वो यहां पे दिया गया है। ऐसे और भी सारे पॉइंट्स हैं, सबके सब जो आपके इंफॉर्मेशन है वो 1-to-1 पॉइंट्स के फॉर्म में दिए गए हैं। और अर्ध लास्ट सेक्शन 2-3 की बात करें अगर आप, तो एक स्पेशल सेक्शन है इसलिए मैंने यहां पर बुक मार्क लगाया है, वह इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस। जो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनके डिस्टर्बेंस कब, कहां, कैसे, किस सिचुएशन में हो सकते हैं उसकी बेसिक जानकारी मिलेगी, और उसको वापस से रिस्टोर करने के लिए क्या आप कर सकते हैं उसकी जानकारी मिलेगी। पूरा का पूरा जो होम्योस्टेसिस से रिलेटेड टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स वो यहां पे आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस मतलब आपको तो पता ही होगा कि बॉडी अपने आप कोशिश करती है कि जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली आपको एडजस्ट यूज टू करवा सके फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये कहलाता है होम्योस्टेसिस। इसमें अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ रीनल सोडियम रीएब्जॉर्प्शन, व्हिच इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके हिसाब से आपका जो डायुरेटिक है फ्यूचर में वो भी काम करेगा, प्लस आपकी बॉडी में फ्लूइड का बैलेंस कितना है वो भी इसी से डिसाइड हो जाता है। तो इस तरीके से आज आपने देखा कि हमने फ्लूइड थेरेपी एट योर फिंगर टिप्स बुक के बारे में बात किया। आई होप कि आपको ये बुक अच्छी लग रही होगी। अगर आपके काम का है, अगर आपके कंसर्न इससे हैं, या अगर आपको इसकी जरूरत है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो इसका जो परचेस लिंक है वहां पे मैं आप डाल सकता हूं। बाकी इट इज नॉट अ पेड प्रमोशन, आप कहीं से भी जहां से चाहें अगर आपको अच्छा लगे तो वहां से आप ले सकते हैं। जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस मैं उसको लिंक यहां पे ऐड कर दूंगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।